नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को बताया, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती तक को अपने अपने क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा निकालने का निर्देश दिया है। सांसद को हर रोज 15 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। गुजराती लोक गायिका गीता रबारी ने संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, गीता रबारी जैसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। एक अच्छी पृष्ठभूमि से आने के बाद गीता ने अपना काम जारी रखा और अपने काम में आज अग्रणी है। मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर पार्टी सदस्यों को लालच देकर दल बदल कराने के आरोप लगाए हैं। चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 303 सांसद जीतने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा है, आपका पेट कश्मीरी गेट के बराबर हो गया है। अयोध्या विवाद में पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का हल मध्यस्थता से निकालने के लिए बनी कमेटी बनाई थी। कमेटी को 15 अगस्त तक समय दिया है, लेकिन विशारद का कहना है कि मध्यस्थता में कोई खास प्रगति नहीं हो रही है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करते ही आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। आरएसएस के प्रांत मीडिया प्रचारक राजीव तुली ने लिखा, कोरम पूरा हो गया, मनोज तिवारी, हंसराज हंस और अब सपना चौधरी, अलग छवि वाली पार्टी, शिवराज सिंह जी बधाई। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, पार्टी में बड़े नेताओं को छोड़कर सेलिब्रिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के हौज काजी इलाके के दुर्गा मंदिर में आज भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मंदिर के आसपास का माहौल अब शांत है, लेकिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आपको बता दें कि 30 जून की रात कुछ अराजक तत्वों ने पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की थी। कर्नाटक का सियासी नाटक हर पल बदलता जा रहा है। अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। अब तक 13 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि उनके पास इस्तीफा आया ही नहीं। जब तक सभी विधायक व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस्तीफा नहीं देते, इसे इस्तीफा नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के 10, जेडीएस के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने आम लोगों को सेना की वर्दी से मिलते जुलते कपड़े पहनने से बचने को कहा है। साथ ही पुलिस ने आदेश जारी किया है, अब सेना की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को पुलिस से पंजीकरण कराना होगा ताकि आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। आजकल बॉटल कप चैलेंज इंटरनेट पर छाया हुआ है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के बड़े सितारे ये चैलेंज करते दिख रहे हैं। अब हॉलीवुड के टीवी स्टार केंडल जेनर ने ये चैलेंज बहुत ही हॉट अवतार में पूरा किया है। उनकी वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन मंगल का आज टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म वैज्ञानिक राकेश धवन और तारा शिंदे की असली कहानी पर आधारित है, जिनकी मार्स पर पहली सैटेलाइट भेजने में अहम भूमिका रही है। भारत के मंगल अभियान की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म साधारण लोगों के असाधारण लक्ष्य को हासिल करने की कहानी है। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म बाटला हाउस का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नई दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में आतंकवादियों के साथ साल 2008 में हुई कथित मुठभेड़ के पीछे की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया गया है। जॉन अब्राहम इस फिल्म में डीसीपी संजीव कुमार यादव की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।